गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट टेस्ट योर सेल्फ फ्रॉम चैप्टर फ्रैक्शन. क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन ए, हाउ मेनी 1/4 विल मेक 2 होल्स. स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हाउ मेनी 1/4 हम कितना मिलाएंगे कि 2 होल बन जाए. दैट मीन्स यहाँ देखिए, ये 1/4 हो गया है, एक का 1/4 हमने कर दिया है. इस तरह से 1/4 कितने मिलाएंगे कि 2 कंप्लीट मिले. ठीक है, तो इसके बेटा मैं आपको 2 मेथड बताऊंगी. एक आपका फुल मेथड्स है और दूसरा मैं आपको शॉर्टकट बता दूंगी. क्लियर? तो सबसे पहले हमें बताना है टू होल होना चाहिए, 2 पूरा कंप्लीट होना चाहिए. तो पहले हमने 2 लिख दिया और कितने 1/4 मिल के, हाउ मैनी 1/4, तो ये हमें फाइंड करना है. तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, इसे 1/4 से डिवाइड कर देंगे. इसे सॉल्व करिए, 2 मल्टीप्लाइड. अब यहाँ पे जो 1/4 है इसका मल्टीप्लाई हम डिवाइड का रेसिप्रोकल करेंगे. तो डिवाइड का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई. रेसिप्रोकल मतलब उल्टा. तो डिवाइड का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लाई. और जब इस तरह से होता है कि डिवाइड के बाद जो डिजिट होती है वो चेंज हो जाती है. 1/4 है तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/1. तो अपॉन में 4/1 की कोई वैल्यू नहीं होती है. आप चाहे तो लिखिए या न भी लिखे तब भी चलेगा. फिर मल्टीप्लाई करिए, 4 × 2 = 8. ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, 8. तो हाउ मेनी 1/4 विल मेक 2 होल्स. तो देयर आर 8, 1/4 विल मेक 2 होल्स. ओके, 8 1/4 मिलके कितने होल्स बनेंगे, 2 होल्स कंप्लीट होंगे. ओके, नाउ बेटा इसका डायरेक्ट आंसर हम कैसे लिखेंगे, जो आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर में होगा उसको आप जो भी कंप्लीट रहेगा उसके साथ आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक है, तो डिनोमिनेटर और यहाँ पे जो नंबर है डायरेक्ट आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो ये आपका डायरेक्ट मेथड हो गया, 4 × 2 = 8. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम डायरेक्ट मेथड से ही करेंगे. 8, हाउ मैनी 1/8 विल मेक अ होल. हम कितने 1/8 मतलब 1/8 मिलाएंगे कि अ होल. अ होल मतलब एक पूरा कंप्लीट बने. तो क्या करेंगे, अ होल मतलब सिंगल होता है एक, तो 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 × 1 = 8. तो आंसर क्या हो गया, 8. और अगर आपको मेथड से करना है तो यहाँ पे 1 को डिवाइड करिए 1/8 से, उसके बाद आप उसका इस तरह से रेसिप्रोकल लीजिए, फिर इसे सॉल्व करिए. ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी 1/2 आर देयर इन 2 होल्स 1/2. सो स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसे आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. तो क्या रूल है, पहले जो होल है उसे डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर न्यूमरेटर को प्लस कर देना है. सो 2 × 2 = 4, 4 + 1 = 5. तो ये आंसर क्या हो गया, 5/2. और जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे हमें जो भी दिया है हाउ मैनी, इसे हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड 1/2. उसके बाद इसका रेसिप्रोकल लेंगे, 5/2 into, ये 1/2 है तो क्या हो जाएगा, 2/1. उसके बाद देखिए ये कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर कैंसिल होता है. तो आंसर क्या बचा हमारा, 5/1, दैट मीन्स 5. ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ सी क्वेश्चन नंबर डी, हाउ मेनी 1/10 विल मेक 10 होल्स. तो अभी हमें क्या करना है, इस 10 और इस 10 को डायरेक्ट मेथड में मल्टीप्लाई कर देना है. 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आंसर आया, 10 × 10 = 100. ओके, नाउ सी क्वेश्चन नंबर ई, हाउ मेनी क्वार्टर्स विल मेक 3/2. स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3/2 मतलब 3/2. हाफ का मतलब होता है 1/2, तो 3 × 1/2. और इसके बाद क्वार्टर्स मतलब 1/4. तो हमें इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, फिर इसका रेसिप्रोकल करेंगे, 3/2 × रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/4 का, 4/1. उसके बाद कैंसिल क्या होगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4. बचा क्या हमारे पास, 3 × 2, तो 3 × 2 = 6. तो आंसर क्या होगा हमारे पास, 6. तो क्वेश्चन क्या होगा, आंसर क्या होगा, हाउ मेनी क्वार्टर्स विल मेक 3 होल्स. सो 6 क्वार्टर्स विल मेक 3 होल्स. ओके क्लास, थैंक यू.